ओके जी, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स. अब हमने जो नेक्स्ट प्रैक्टिकल देखना है वो है हमारे पास आयोडीन टेस्ट. प्रीवियस वीडियो के अंदर हम क्या डिस्कस कर चुके हैं, मलेशियस टेस्ट. ठीक है, आयोडीन टेस्ट हमने देखना है. आयोडीन का पर्पज़ ये होता है कि हम इसको पॉलीसेक्राइड की डिटेक्शन के लिए चेक करते हैं. आपने देखा था कि जो मलेशियस टेस्ट था ना, उससे हमने दोनों को चेक किया था, इधर पॉलीसेक्राइड था या डाइसेक्राइड था. लेकिन आयोडीन टेस्ट जो है वो स्पेसिफिकली किसके लिए होता है, पॉलीसेक्राइड के लिए होता है. और इसकी मदद से पहले तो हमें ये पता चलता है कि पॉलीसेक्राइड है या नहीं, और फिर कौन सा पॉलीसेक्राइड प्रेजेंट है ये भी हम इसकी मदद से जो है डिटेक्ट कर सकते हैं. अगर हमारे पास इधर स्टार्च प्रेजेंट है, ठीक है, इधर हमारे पास पॉलीसेक्राइड की टाइप्स होती हैं डिफरेंट, आपको पता है स्टार्च, ग्लाइकोजन एंड ये वगैरह. तो अगर हमारे पास स्टार्च प्रेजेंट है, या आपके पास क्या प्रेजेंट है, डेक्सट्रिन प्रेजेंट है, या आपके पास ग्लाइकोजन प्रेजेंट है, ये भी हम आयोडीन टेस्ट की मदद से डिटेक्ट कर सकते हैं. कैसे करते हैं मैं भी आपको बताती हूं. अभी हम पहले इसका प्रिंसिपल डिस्कस करते हैं, ठीक है. तो इस टेस्ट का आपके पास प्रिंसिपल ये होता है, या जो इसका प्रिंसिपल है वो डिपेंड कर रहा होता है, ये जो इसका प्रिंसिपल है वो असल में डिपेंड करता है हमारे पास एब्जॉर्प्टिव प्रॉपर्टी ऑफ. तो मैं आपसे क्या बात कर रही हूँ कि हमारे पास जो होता है ये जो टेस्ट आयोडीन टेस्ट, इसकी बेस क्या होती है कि हमारे पास जो ये डिपेंड करता है एब्जॉर्प्टिव प्रॉपर्टी ऑफ पॉलीसेक्राइड्स. ठीक है, जो लार्ज पॉलीसेक्राइड्स है ना, उनके पास क्या होती है, एब्जॉर्प्टिव प्रॉपर्टी होती है. इसका मतलब है अगर हम उनको किसी भी रिएजेंट के साथ रिएक्ट कराएंगे तो वो उसको एब्जॉर्ब कर लेंगे. ठीक है, फॉर एग्जांपल ये हमारा सैंपल है, ठीक है, हमें नहीं पता ये सैंपल हमारा इधर पॉलीसेक्राइड है या पॉलीसेक्राइड की कौन सी टाइप है, हमें ये भी नहीं पता. बस हम इसको किसके साथ रिएक्ट करेंगे, आयोडीन के साथ. तो ये क्या करेगा, इस आयोडीन को एब्जॉर्ब करेगा और अपनी सरफेस के ऊपर इसको रिप्रेजेंट करेगा. ये हमारे पास क्या है, अपना हमारा सैंपल था, ये इसके ऊपर क्या करेगा, आयोडीन को एब्जॉर्ब करके अपनी सर्फेस के ऊपर इसके साथ मिलकर क्या बना लेगा, एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाएगा. और ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड आपको क्या देगा, कलर. ठीक है, जिसकी बेस पे आपको पता चलेगा कि आपका कौन सा पॉलीसेक्राइड प्रेजेंट है. फॉर एग्जांपल अगर यहां पे आपके पास क्या प्रेजेंट है, स्टार्च प्रेजेंट है, तो यहां पे क्या बनेगा आपके पास, स्टार्च आयोडीन कॉम्प्लेक्स. ठीक है, इसी तरह अगर यहां पे हमारे पास क्या है, डेक्सट्रिन प्रेजेंट है, तो यहां पे आपके पास क्या बन जाएगा आगे, डेक्सट्रिन आयोडीन कॉम्प्लेक्स. और इसी तरह अगर यहां पे सैंपल की जगह आप में क्या है, ग्लाइकोजन है, तो आपके पास क्या बनेगा, ग्लाइकोजन आयोडीन कॉम्प्लेक्स. ठीक है, अब हमें पता कैसे चलता है कि हमारे पास ये कौन सा, इधर ये स्टार्च था, हमें तो नहीं पता होता ना सैंपल में क्या चीज है, तो इधर ये स्टार्च था, डेक्सट्रिन था, ये ग्लाइकोजन था, ये हमें पता चलता है ऑन द बेसिस ऑफ कलर. ये जो कलर कॉम्प्लेक्स जनरेट करता है उसकी बेस में हमें पता चलता है. बाकी इस टेस्ट के ऊपर टेम्परेचर का और पीएच का क्या इफेक्ट होता है वो मैं आपको कलर बताने के बाद बताती हूँ कि हमारे पास कौन से कलर अपीयर होंगे, तो हमें पता चल जाएगा. अगर आपके पास ये वाला जो कंपाउंड है ये क्या कलर दे दे, ब्लू कलर. ठीक है, ब्लू कलर देगा तो इसका मतलब है आपके सैंपल के अंदर क्या प्रेजेंट था, पॉलीसेक्राइड, और उसकी कौन सी टाइप प्रेजेंट थी, स्टार्च प्रेजेंट थी. ठीक है, अगर आपके पास क्या होगा, अगर आपके पास आएगा रेडिश पर्पल कलर, ठीक है, अगर आपके पास क्या आएगा रेडिश पर्पल कलर, तो आपका कौन सा कंपाउंड है, डेक्सट्रिन. रेडिश पर्पल कलर होगा तो क्या प्रेजेंट है, डेक्सट्रिन. और अगर आपके पास क्या आ रहा है, रेडिश ब्राउन कलर आ रहा है, तो फिर आपके पास क्या प्रेजेंट है, ग्लाइकोजन. लेकिन अगर आपके पास कोई कलर नहीं आ रहा तो इसका मतलब है आपने जो सैंपल यूज किया था उसके अंदर पॉलीसेक्राइड्स नहीं है. तो इस तरह ये टेस्ट पॉलीसेक्राइड और पॉलीसेक्राइड की डिफरेंट टाइप्स की डिटेक्शन के लिए यूज हुआ है. ये डिपेंड करता है एब्जॉर्प्टिव प्रॉपर्टी ऑफ पॉलीसेक्राइड पे. जब हमने सब्सटेंस को इसके साथ रिएक्ट कराया, इसको एब्जॉर्ब करेगा अपनी सरफेस के ऊपर, रिप्रेजेंट करेगा एज अ कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल, और वो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल क्या दे देगा, कलर, जिसकी बेस पे हमने क्या कर लिया है, डिटेक्ट कर लिया है कि हमारे पास जो है वो कौन सा कंपाउंड प्रेजेंट है. उसके अलावा इसके रिएजेंट्स हैं, ठीक है, इसमें हमारे पास क्या रिएजेंट्स यूज होते हैं, हम 10% कंसेंट्रेटेड सोडियम हाइड्रोक्साइड यूज करते हैं, ठीक है, कंसेंट्रेटेड HCl यूज करते हैं, और उसके अलावा हम कंसेंट्रेटेड H2SO4 यूज करते हैं. ठीक है, और मेन जो हमारा रिएजेंट होता है उसको हम कहते हैं लुगोल्स आयोडीन सोल्यूशन. जैसे हमने वहां पे मलेशियस रिएजेंट था ना, तो यहाँ पे क्या होता है हमारे पास लुगोल्स आयोडीन रिएजेंट. इसकी कंपोजिशन भी पूछी जा सकती है, तो उसमें हमारे पास क्या होता है 2.5 ग्राम आयोडीन. ठीक है, क्या होता है 2.5 ग्राम आयोडीन, जबकि 7.5 ग्राम आपके पास इसमें क्या होता है पोटाशियम आयोडीन डिजोल्व इन. पोटाशियम आयोडीन होता है जो 500 ml डिस्टिल्ड वाटर में डिजोल्व हुआ है, 5 ml डिस्टिल्ड वाटर में डिजोल्व हुआ है. ठीक है, तो ये चीज आपको जरा याद करनी पड़ेगी. बाकी आपका जो है वो मेन प्रिंसिपल था वो हमें पता चल गया है. यहीं पे मैं आपको इसका प्रोसीजर भी बता देती हूँ जो बहुत सिंपल है. वो कहता है कि आप एक टेस्ट ट्यूब लें, ठीक है, ये आपकी एक टेस्ट ट्यूब है फॉर एग्जाम्पल. तो इसके अंदर आपने क्या ले लेना है, 3 ml आपका सोल्यूशन ले लेंगे जिसको आपने चेक करना है, जो आपका सैंपल है. ठीक है, 3 ml आपने वो कार्बोहाइड्रेट सोल्यूशन ले लिया है जिसको आपने चेक करना है, और फिर आप उसमें क्या डालेंगे, 1 ड्रॉप डालेंगे कंसेंट्रेटेड
HCl का, ठीक है। दूसरा स्टेप क्या करना है कि 1 ग्राम कंसेंट्रेटेड HCl डालना है और फिर इसमें ये जो आपका लुगोल्स रिएजेंट है इसके जो है वो ड्रॉप्स स्लोली जो है वो एक ड्रॉप जो है अगेन हमने किसका डालना है, लुगोल्स रिएजेंट का, ठीक है। तो इस ये तीनों चीज़ें जब हम ऐड कर चुके होंगे तो हमें यहाँ पर जो है वो एक कलर कंपाउंड अपीयर होगा जिसके बेस पे हम इसको डिटेक्ट कर लेंगे, ठीक है। अब एक चीज़ हमारी रहेगी कि इस टेस्ट के ऊपर pH का क्या इफेक्ट होता है और टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है। तो ये देखा गया कि अगर pH जो है वो अल्कलाइन यानी बेसिक पीएच की गई, यानी पीएच जो है वो 7 से ज्यादा की गई जब, तो देखा गया कि हमारे पास जो कलर अपीयर हो रहा था ना वो कलर डिसअपीयर हो गया, वो कलर क्या हो गया, डिसअपीयर। और जब पीएच हमने एसिडिक की यानी हमने 7 से कम पीएच की तो कलर रीअपीयर होना शुरू हो गया, ठीक है। जिसका ये मतलब है कि हमारे पास ये जो आयोडीन टेस्ट है ये पॉजिटिव है, आयोडीन टेस्ट पॉजिटिव है एट एसिडिक पीएच, ठीक है। इसी तरह हम टेम्परेचर का भी इफेक्ट देखते हैं एक मिनट के अंदर। तो टेम्परेचर जब हमने क्या किया, ज्यादा किया, तो हमने देखा कि जो कलर था ना कंपाउंड का वो डिसअपीयर हो गया। जब कलर डिसअपीयर हो गया तो फिर तो हम नहीं डिटेक्ट कर सकते कि हमारा टेस्ट ठीक है या नहीं। इसी तरह अगर हमने टेम्परेचर कम किया तो कलर रीअपीयर होना शुरू हो गया। तो क्या हमें इसका ये क्या हम इससे डिटेक्ट करें कि हमारे पास लो टेम्परेचर जो है वो उसकी वजह से ये टेस्ट पॉजिटिव है। तो एसिडिक पीएच और लो टेम्परेचर ये दोनों जो है वो इस टेस्ट की पॉजिटिविटी को फेवर कर रहे हैं। अगेन आपका इस टेस्ट का प्रिंसिपल आपने याद रखना है वो क्या था, अच्छा इन दोनों का ये है कि आपका जो मोलेशियस टेस्ट है वो सिर्फ डाइसैकेराइड, दोनों डाइसैकेराइड एंड पॉलीसैकेराइड की डिटेक्शन के लिए यूज हुआ था, और ये जो है ये हमारे पास किसके लिए यूज हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ सिर्फ पॉलीसैकेराइड की डिडक्शन के लिए और उसकी डिफरेंट टाइप के लिए। ये एब्जॉर्प्टिव प्रॉपर्टी पे डिपेंड कर रहा है, जबकि आपका जो मोलेशियस टेस्ट था वो डिपेंड करता है कि आपके पास जो कंपाउंड है वो डिहाइड्रेट हो और फर्फरल फॉर्म में जाए, और फर्फरल फॉर्म में जाने के बाद कंडेंस हो अल्फा नेप्थेनॉल के साथ और क्या बना दे, एक पर्पल कलर रिंग, यहाँ पर्पल कलर जबकि यहाँ पे ब्लू, रेडिश पर्पल एंड रेडिश ब्राउन, उसकी वजह से आपके पास स्टार्च, डेक्सट्रिन एंड ग्लाइकोजन प्रेजेंट होंगे, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट प्रैक्टिकल्स को देखते हैं।